स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल बाय नताशा और मैं हूं नताशा। आज हम एक ऐसे यूट्यूबर की बात करने जा रहे हैं जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। उनका नाम है रेखा। हाँ, वही रेखा, बी नेचुरल वाली। जी हाँ, आज मैं उन्हीं के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, और पता भी होगी तो उसमें मिक्स लोगों का जो है रवैया रहता है कि नहीं ये सही है नहीं गलत है, तो मैं उन सब डाउट्स को आपको क्लियर करना आज मैं चाहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई यूट्यूबर अपनी कैटेगरी पे एक हाई लेवल पे आ जाता है ना, तो उसके जो हाई लेवल पे आने के बाद में ना उसके हेटर भी इतने हाई लेवल के हो जाते हैं, मतलब वो भूल ही जाते हैं कि वो किसी को क्या बोल रहे हैं। ये बड़े यूट्यूबर के साथ ही नहीं, छोटे यूट्यूबर के साथ भी, आई मीन बड़ा छोटे यूट्यूबर नहीं होता, बट ये उनके साथ भी होता है जो स्टार्ट जिन्होंने अभी किया है हम लोगों के साथ में, और जो एक बहुत अच्छे हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं उनके साथ भी, सबके साथ में होता है, बट उनके जो हाई लेवल के होते हैं उनके साथ में ज्यादा होता है। तो ऐसे ही कुछ रेखा मैम के साथ में आजकल हो रहा है, तो उसी के बारे में मैं जिक्र करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं रेखा मैम को काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, लगभग 3 साल मुझे फॉलो करते हुए हो गए, लगभग 3 साल। जब मेरी शादी तय हुई थी उससे, शादी तय होने के बाद में लगभग ये मान लो 2.5 साल से तो मैं फॉलो कर रही हूँ 100%। तो उसके बाद में मैंने फॉलो करना शुरू किया था नॉलेज लेने के लिए कि क्या है, उससे पहले मुझे ब्यूटी वगैरह में इतनी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने जब उनको फॉलो करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये ना बड़ी बिंदास तरीके से बोलती है, जो भी अपनी चीज को एक्सप्लेनेशन करती है, हर एक किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, मेरे अंदर तो नहीं है कि मैं उन टॉपिक्स को भी जो वो बता देती है मैं नॉलेज होते हुए भी मैं उनको नहीं बता सकती। उनकी सबसे अच्छी खास बात मुझे ये लगती है। दूसरी, वो जो इतनी अच्छी नॉलेज देती है, इतनी अच्छी तरीके से समझाती है, वो हर एक बस की बात नहीं है, हर एक नहीं समझा सकता। लेकिन क्या होता है ना कि उनको सब्सक्राइब करने के बाद में लोग उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। एक रेखा मैम ही ऐसी यूट्यूबर, मैंने तो ऐसी यूट्यूबर एक रेखा मैम ही देखी है जो कि मतलब टाइम टाइम पे गिव अवे करती रहती है। हर किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती, पहले तो मैं बात बता दूं, उनको जरूरत भी नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतने सब्सक्राइबर हैं और बढ़ते ही हैं, हर डेली बढ़ते हैं, तो उनको इतनी जरूरत नहीं होती सब्सक्राइबर की, लेकिन फिर भी वो गिव अवे कर रही है। उसका रीजन उनको पता होगा, वो रीजन मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि क्या होता है ना कि यूट्यूबर्स के पास में कहीं वो मतलब मेकअप ट्यूटोरियल बनाने के लिए या फिर किसी के लिए, खुद तो वो इतना सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कुछ उनके पास में व्यूज वगैरह देने के लिए, रिव्यू वगैरह देने के लिए आते रहते, तो उनके पास में वो काफी इकट्ठे हो जाता है, जिसको उन्होंने काफी टाइम मतलब काफी बार दिखाया भी है कि भैया मेरे पास इतना सामान है, ये है वो है, तो वो क्या करती है इन चीजों को करने के लिए गिव अवेज करती है और गिव अवे में देती है। ये हर कोई यूट्यूबर नहीं दे रहा है, ये भी सबको पता है, लेकिन क्या आपको ये चीजें भारी है, I mean लोगों को ये चीजें पसंद ही नहीं आ रही है। रीजन, वो गिव अवे देखते हैं, वाओ ये चीजें मिलेंगी, वाह वाह यार, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें ही मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो वो अपनी तरफ से अटकलें लगानी शुरू कर देते, अरे ये तो अपने रिश्तेदार को दे रही है, अरे ये तो अपने जानने वाले को दे रही है। सच्चाई जाने बिना आप किसी पे पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं। इंक्लूडिंग मैंने रेखा मैम की एक वीडियो देखी जिसमें लोगों ने ये तक कहा कि आप अपने रिश्तेदार को दे रही हो, हम आपके चैनल को अनसब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मतलब एक बार बताइए, क्या आपने सिर्फ गिव अवे के लिए उनको सब्सक्राइब किया है, या फिर आपने सिर्फ उनसे सामान लेने के लिए उनको सब्सक्राइब किया है? क्या आपको जो वो नॉलेज दे रही है उसका कोई बेनिफिट नहीं लगता? चलो आप कर भी रहे हो, लेकिन मैं आज एक बात जरूर क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि वो सिर्फ गिव अवे अपने रिलेटिव्स को दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर उसे उन्हें अपने रिलेटिव को देना ही होता ना वो गिव अवे, तो जो पार्लर में जाके सामान दे रही है वो ना देती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं हो रहा उन पार्लर वाले से, या फिर वो किसी लड़की के घर में जाके उनको कपड़े दे रही है तो वो ना देती, क्योंकि भैया उनके पास में कपड़े हैं, वो तो जाके किसी ऐसे कह देती कि मैं तो गरीबों को दान करने जा रही हूँ और बोल देती मैंने गरीबों को दान कर दिए, तो आपको तो लगता ना कि उन्होंने कर दिए, बट वो फिर भी प्रूफ के लिए आपको दिखा रही है, तब भी आपको यकीन नहीं आ रहा कि भैया ये ऐसा कर रही है। क्यों इतना शक एक यूट्यूबर पे हो जाता है, क्यों? और ये शक ना करने वाले वो ही लोग होते हैं जिनको यकीन नहीं होता, ना अपने पे ना खुद पे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो दिल से कीजिए, बिल्कुल ऐसे मत होइए कि आप किसी को अपने बेनिफिट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं।
दूसरी बात ये कि उनके साथ में ये भी होता है कि लोग उनको मेकअप के सामान के लिए ही गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे अभी दिल्ली दिल्ली वाली लड़की का हुआ कि पार्टिसिपेट तो उसने कर लिया, बट वो शायद कोई बच्ची थी जो उन्हें एहसास हुआ और उसको पता ही नहीं था कि वो वेस्टर्न ड्रेस का है। और फिर जो प्रिंस जी हैं वो अपने चैनल वहां तक गए दिल्ली तक, बट वो उसको सामान नहीं दे पाए। तो ये देखो, इस तरीके की चीजें तो मुझे गलत लगती है। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो दिल से करो, ये सोच के मत करो कि आप जीतेंगे ही, ये सोच के करो कि मिल जाएगा, अच्छा है ना मिला तब भी आपको नॉलेज तो मिल ही रही है। तो इस चीज की 100% है कि वो गिव अवे करती हैं, दिल से करती हैं। और शायद हर यूट्यूबर जो गिव अवे कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों को सामान देना है, वो इसलिए कर रहा है कि जो बेनिफिट हमें मिल रहा है हम हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनको भी मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक बात पे आना चाहूंगी कि अगर हम किसी से मतलब के लिए यारी करने हैं तो वो यारी बहुत बेकार है, जिसे अपनाए दिल से अपनाए। तो रेखा मैम को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि वो अपने जो सामान है उसको ऐसे ही पड़े रह के खराब ना करने से अच्छा किसी को देना वो अच्छा समझ रही है, किसी के काम वो आ जाए वो अच्छा समझ रही है। और आई थिंक मैं तो ये मानती हूँ कि हर एक यूट्यूबर को इस चीज की पहल करनी चाहिए कि उनके पास में अगर इतना सारा सामान इकट्ठा हो रहा है तो किसी को दे दे, भले ही अपने रिश्तेदार को देते हो, बट वो अगर किसी को ऐसे दे रहे हैं जिनको जरूरत हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सभी को करना चाहिए। बल्कि इसी के लिए नहीं, और चीजों के लिए भी अगर आप किसी के हेल्प कर सके तो आप करिएगा। किसी की कभी भी मदद पे डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में काफी प्रूफ है। वो वीडियोस इसीलिए शायद बनाती हैं कि लोगों को प्रूफ मिल सके कि वो गिव अवे कर रही हैं। तो उस चीज के प्रूफ को हर किसी को देने की जरूरत नहीं है। और अगर प्लीज किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप प्लीज हेट कमेंट्स मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ किसी को किस चीज से मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेखा मैम जिनको फॉलो करते हैं वही कह रही है, तब फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरे कहने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही मैं कहना चाहती थी। लास्ट में मैं इतना जरूर कहूंगी कि रेखा मैम, वी लव यू, वी ट्रस्ट ऑन यू, एंड जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, अपने काम को इस तरह से करिए। और जो आपने एक पहल की है अपने इस गिव अवे की कि मेरे मैं अपने घर पे उसको बुलाऊंगी, जो भी इसका विनर होगा वो सबसे हटके है, वो सबसे अलग है, सच में वो सराहनीय है। हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। थैंक यू सो मच इस थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। और अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है गिव अवे में तो आप जाके बी नेचुरल पे सर्च कर मार के गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। बहुत मजेदार मजेदार वो गिव अवे कर रही है। थैंक यू सो मच।